बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के आह्वान पर फर्रुखाबाद में सैकड़ों की संख्या में आधार समाज पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां और जोरदार नारे लगाते हुए मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को JNV तिराहा पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास रोककर उन्हें ज्ञापन देने को कहा, लेकिन आंदोलनकारी उत्तेजित हो गए और जोर शोर से नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। बाद में ADM और ASP ने आंदोलनकारियों से राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र लेकर सरकार के पास भेजने का आश्वासन दिया। भारत बंद को लेकर धरना प्रदर्शन स्थल की कमान पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने खुद संभाल रखी थी। पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर डटे रहे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को अंबेडकर प्रतिमा से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के आह्वान पर सभी दलित समाज की पार्टियों ने एकजुट होकर अंबेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। दलित समाज के पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी कर हंगामा काटा और कहा कि जो दलित हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आंदोलन कर रहे दलित समाज के पदाधिकारियों की पुलिस कर्मियों से कई बार नोकझोंक हुई। दलित समाज के नेताओं ने कहा कि वो जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। प्रशासन ने समझा बुझाकर शांत कराया। पदाधिकारियों ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाए, गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। यही नहीं, उन्होंने 11 सितंबर को दिल्ली में आंदोलन की चेतावनी दी। स्ट्रीट बर्स के लिए फर्रुखाबाद से रविनंदन मिश्रा की रिपोर्ट। संजीव से खिला प्रभारी, किस बात को लेकर आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जो प्रेमिनेंट जिस तरीके से हम लोग आरक्षण पे रोका जा रहा था, इस चक्कर में हम लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा हुआ है और यहाँ पे आए हम लोग। काफ़ी देर से हम लोग चल रही है खदरिया और आगे माननीय मेरे जिला से भी बताई थी आपको। क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम मुस्लिम गौतम है सर। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या बात की? जोर से बोलो। पूरा कर दिया है सरकार ने, हम ये चाहते हैं हमारा जो आरक्षण है पूरा आरक्षण वापस किया जाए। सरकारी कोटे में से हमारी बच्चियाँ हैं और जो हमारे बाल्मीकि समाज के कोटे छीने गए हैं उनको भी पूरा किया जाए और जो वर्गीकरण हमारा जो है वो भी हमारा बहाल किया जाए। आंदोलन पुलिस ने पूरी तरह फेल कर दिया आपका, केवल अम्बेडकर मूर्ति को आप रोक के रह गए, क्या कहेंगे इस मामले पे? इसमें हम जो कहना चाहेंगे, प्रशासन जो रोका गया है, प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है, प्रशासन जो हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। सबसे बड़ी गलती को मैं मानता हूँ उस चीज़ में, प्रशासन हमारी जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनने अपने हथियार गिरा दिए। आज़ाद समाज पार्टी के किसी पदाधिकारी हथियार नहीं डाले, वो बीमारी आदेश था, हमें शांतिपूर्वक आने था और शांतिपूर्वक हम लोगों ने आंदोलन किया इस चीज़ में। मेरा नाम अतुल कठेरिया, मैं आजाद समाज पार्टी के जिला महामंत्री। किस बात को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दलित समाज का वर्गीकरण किया गया है CST आरक्षण को लेकर, उसके लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए सरकार के सहारे पे हम लोगों को रोकने का प्रयास किया है। पर अब हम लोग रुकने वाले लोग नहीं है और ना झुकने वाले लोग हैं। आपका आंदोलन रोकने का प्रयास किया गया, इसका क्या बता रहे हो? आपका जो आंदोलन रोका एक तरीके से बेकार उन्होंने रोका हुआ है, इसका क्या मतलब है? नहीं, कोई भी आंदोलन ये हमें नहीं रोक सकते यार, कैसी आप बात कर रहे हैं। हमें प्रशासन कभी नहीं रोक सकता क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर को लोग मानने वाले हैं, भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। अगर हम यहाँ रुके हैं किसी की वजह से तो भारतीय संविधान है, मतलब रोकने की यहाँ पर किसी की हमें हैसियत नहीं है। क्या क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे थी, पहले तो जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC ST का वर्गीकरण वाला किया गया है उसे पुनः बहाल किया जाए, और दूसरी मांग है जातीय जनगणना कराई जाए क्योंकि लंबे 10 साल समय से जाति जनगणना नहीं हुई। तीसरी मांग है प्राइवेट सेक्टरों में SC ST समाज के लोगों को पुनः आरक्षण दिया जाए।